नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा आज आपको बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसे तरीके जिससे आप अपना वजन कम कर सकते हैं। देखो, पहले हम ओबेसिटी मोटापे को समझते हैं। एक तो होता है तौंद का वेट, सिर्फ तौंद मोटी है, हाथ पैर पतले हैं, एक ही हो गया। एक होता है विसरल फैट्स, मतलब ऑर्गन्स में भी फैट्स जमा हो जाना, वो भी डेंजर होता है। पेट का ओबेसिटी भी डेंजर होता है। उसके अलावा होता है एक पूरी बॉडी में फैट्स आए हुए हैं, तो फैट्स बहुत डेंजर है। अब इसको हम कम कैसे करें, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ इसको कम करने का तरीका। इसको कम करने का तरीका होता है, एक तो नॉनवेज आप बिल्कुल नहीं खाएं, घी तेल तली हुई चीज़ें को बंद करें, ठीक है। जंक फूड, पिज़्ज़ा बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, ये बंद करें। अब क्या खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और सैलेड खाएं, जिसमें फ्रूट्स में आपको केला अवॉइड करना है। गेहूं की रोटी, जहां आप दो खाते हैं तीन खाते हैं, उसकी जगह आप एक रोटी खाएं, सुबह एक रोटी खाएं, दिन में एक रोटी खाएं, रात में, ठीक है। तो इससे आप पतले हो सकते हैं। उसके अलावा भूखा तो नहीं रहना, भूख लगती है तो क्या करें, भूख लगती है तो आप सैलेड खाएं, खीरा ककड़ी मूली गाजर टमाटर प्याज खाएं। उसके अलावा स्प्राउट्स खाएं, मूंग मोठ चना, इसको भिगो के, ठीक है। और जब भी भूख लगती है छाछ पिएं, सूप पिएं, और सुबह का मील थोड़ा हैवी करें, लंच का मील थोड़ा लाइट करें, और नाइट का मील बिल्कुल सिर्फ आपको फ्रूट्स वेजिटेबल खाना है। अब आपको वेट कम कैसे करना है, आप बोलेंगे ये तो मैं कर रहा हूँ फिर भी वेट कम नहीं हो रहा। फिर आप कीजिए ब्रिस्क वॉकिंग, तेज तेज चलिए, तेज तेज चलिए, प्लैंक्स कीजिए, पुशअप्स कीजिए, उससे आपका वेट नीचे जाएगा। अगर इससे भी आप बोलेंगे कि मैं तो ये भी कर रहा हूँ मेरा वेट नीचे नहीं जा रहा है, फिर मैं आपको बताता हूँ एक इंटरमिटेंट फास्टिंग का कॉन्सेप्ट। देखिए ऐसा होता है, आप खाना अपना पूरा खा लीजिए 8 घंटे के अंदर, और 16 घंटे का कीजिए फास्टिंग, क्योंकि कहा जाता है आप जो भी खाते हैं उसी से 70-90% जो बॉडी पे इफेक्ट आता है ना वेट गेन होने का, वो खाने पीने से आता है। आप बोलेंगे हेरिडिटरी, हेरिडिटरी कितना भी हो, मदर फादर कितने भी हो, पर फिर भी आप फिट रह सकते हैं, अपना फैट्स किल कर सकते हैं। उसका साइंटिफिक मैं आपको रीजन दूंगा, ऑटोफेजी के द्वारा, इंटरमिटेंट फास्टिंग के द्वारा। अगर किसी इंसान को 10 दिन रेगिस्तान में छोड़ दिया जाए, ऐसे बहुत सारी स्टोरीज हैं। एक आदमी जो 30 दिन तक रेगिस्तान में फंसा रहा, उसका वेट 100 किलो 6 किलो था, फिर जब वो रेगिस्तान से बाहर निकला, उसको रेस्क्यू किया गया, तो उसका वेट सिर्फ 50 किलो ही रह गया। उस पर मूवी भी बनी है, ठीक है। तो आप देख लीजिए कितना ड्रास्टिक वेट कम हुआ, क्योंकि फूड नहीं मिला, वाटर नहीं मिला। तो मैं ये नहीं कह रहा आप डिहाइड्रेटेड रहें, फास्टिंग शुरू कर दें, ये नहीं। हम समझते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कैसे करें। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब यह है कि आप सुबह खा लें 10 बजे खाना मील, उसके बाद 6 बजे आप अपना लास्ट मील ले लें, उसके बाद आप 6 बजे से लेके कल नेक्स्ट डे 10 बजे तक फास्टिंग करें, या फिर आप दिन में 12 बजे खाएं और लास्ट मील लें आप रात को 8 बजे, उसके बाद आपको कुछ नहीं लेना है। अब बोले मेरे को तो भूख लग रही है उस 16 घंटे में, तो मैं क्या करूं, उस 16 घंटे में आप ग्रीन टी पिए, हरी चाय, ठीक है। और सुबह सुबह आप, जैसे अगर आपको और भूख लगती है, तो थोड़ा सा लेमन शहद डाल के वार्म वाटर में आप ले सकते हैं, तो उससे भी आपका फैट कट होता है। अब आप बोलेंगे इससे पतला कैसे होऊंगा, इंटरमिटेंट फास्टिंग कैसे वर्क करती है, समझिए। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो इसको डाइजेस्ट होने में 24 घंटे 48 घंटे लग जाते हैं, पर मैंने क्या कहा, सिर्फ वेजिटेरियन डाइट पे आ जाइए, आप सिंपल वेजी डाइट लीजिए, जिसमें ज्यादा से ज्यादा सब्जियां, ज्यादा से ज्यादा फल, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा सैलेड, ये आपको अपनी डाइट में लेना है। रोटियां आपको बिल्कुल कम करनी है, एक रोटी सुबह, एक रोटी दिन में, और अगर आपको खानी है एक रोटी रात को, और 8 घंटे में ही अपना खाना सिमेट लेना है। तो जैसे 4-5-6 घंटे में आपका पूरा फूड डाइजेस्ट हो गया, जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल सुबह 10 बजे खाया, आप 6 बजे खाया, तो आपका रात को 12 बजे तक सारा फूड डाइजेस्ट हो चुका है। अब बॉडी क्या करेगी, आपके टॉक्सिन्स जहर को खाने लगेगी, तो उससे क्या होगा, आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई होगी, हीलिंग होने लगेगी। और अब रात के 12 बजे से अब हम नेक्स्ट मील कब लेंगे, सुबह 12 बजे, तो उस दौरान आपकी बॉडी में फैट्स को बॉडी किल करेगी, फैट्स को खाएगी, ठीक है। तो फैट से आपका क्या होगा, ये कैलोरी रिस्ट्रिक्शन डाइट के बराबर वर्क करेगा। तो डू इंटरमिटेंट फास्टिंग, ब्रिस्क वॉकिंग, एक्सरसाइज, पुशअप्स, और जो डाइट मैंने बताई है वो आप फॉलो कीजिए। उसके अलावा आप दाना मेथी ले सकते हैं अपनी डाइट में, स्प्राउट्स ले सकते हैं प्रोटीन का डेफिशिएंसी पूरा करने के लिए, और एक्सरसाइज जरूरी है, और पानी आप पी सकते हैं उस इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान। लास्ट में थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लें, धन्यवाद।